नगर निगम में विधायकों को वोटिंग का अधिकार क्या मिला? बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। इस फैसले पर बीजेपी ने आपत्ति जताई, तो वहीं बीजेपी के विधायक राकेश जम्वाल का तीखा वार सामने आया। बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। कांग्रेस की मंशा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना है। अब हिमाचल में नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बीजेपी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब कहीं वोटिंग के दौरान बराबरी हुई तो स्थिति में ही वोट किया जाएगा, अन्यथा नहीं करेंगे वोट। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा के बयान से कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने किनारा कर लिया। प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान की सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का टेन्योर 2.5 वर्ष का रहता है। 2.5 वर्ष के बाद फिर से नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। अक्टूबर महीने के लगभग 12 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में चार नगर निगम, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। लेकिन पिछले 1.5 महीने से सरकार उस चुनाव को लटका रही थी और 1.5 महीने से नगर निगम के काम जो है वो प्रभावित हो रहे थे। अगर मेजोरिटी किसी की ज़्यादा है या एक बड़ा जो एक कम है तो उसको ये नहीं है, वो तो है कि डिसाइसिव वोट जब है उसका कि जब बराबर का हो जाए तभी अपना वोट डालेगा, अदरवाइज नहीं डालेगा। सर, जो अभी नोटिस मिली क्या जब अगर बराबर आ गए दोनों पक्ष उसमें वोट पड़ेगा उनका या ऐसे भी उनका वोट कास्ट? ऐसे नहीं होगा, बराबर में उसी में आएगा जब डिसाइसिव वोट होगा, जब जरूरत पड़ेगी तभी एक्सरसाइज करेगा। आगे क्यों करेगा, आगे क्या लेगा वो कर।